हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 4 करोड़ से अधिक के उपकरण के साथ मजबूत होगी चिकित्सा व्यवस्था। अनिल अग्रवाल फाउंडेशन की बाड़मेर जिला अस्पताल को भेंट। बाड़मेर के राजकीय चिकित्सालय में चिकित्सा व्यवस्थाओं के उन्नयन की दिशा में बुधवार का दिन महत्वपूर्ण साबित हुआ। इस दिन अनिल अग्रवाल फाउंडेशन की तरफ से लगभग 4.25 करोड़ के उपकरण अस्पताल प्रशासन को सौंपे गए। एक सादे आयोजन में बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन, ADM उमेश सिंह रत्नू और प्रमुख चिकित्सा अधिकारी BL मंसूरिया के अलावा केयर्न ऑयल एंड गैस की CSR प्रमुख हरमित सेहरा की उपस्थिति में ये उपकरण अस्पताल प्रशासन को सुपुर्द किए गए। मुख्य उपकरणों में 2 मोबाइल एक्सरे मशीनों की एलेंजर्स लाइटेक्स उपलब्ध करवाई गई, जो HF एक्सरे PD की तकनीक पर आधारित है। ये एक्सरे मशीनें उन अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है जहां आघात के मामलों में गतिशीलता में आसानी की आवश्यकता होती है और अस्पताल के वार्ड ICU में बेड साइड एक्सरे की आवश्यकता होती है। इनका वजह यह है कि इन्हें आसानी से लिफ्ट के माध्यम से ले जाया जा सकता है। 20 वेंटिलेटर मशीनें भी इसी सूची में शामिल की गई है। ये मशीन फेफड़ों में हवा को अंदर और बाहर ले जाने के लिए धोखने का काम करती है। इसके साथ ही 2 APOC ब्लड एनालिसिस सिस्टम भी उपलब्ध करवाया गया है, जो कि वायरलेस समाधान है, जो कि 1 मिनट से भी कम समय में परीक्षण कार्ड पर रोगी के पक्ष में व्यापक रक्त विश्लेषण परीक्षण करता है। इससे रोगी परीक्षण में तेजी आएगी और डायग्नोस्टिक निर्णय लेने में भी तेजी आएगी। 2 सेंट्रल मॉनिटर सिस्टम का सहयोग किया गया है, जिनमें CNS इंक्रान में 01 को रोगी की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। एक सेंट्रल मॉनिटर लगातार हर मरीज पर नजर रखता है और देखभाल करने वालों की सहायता करता है। एक मॉनिटर यहाँ पर एक साथ 48 मरीजों की निगरानी कर सकता है। इसके अलावा 2 डीप फाइब्रिलेटर उपकरण प्रदान किए गए हैं, जो दिल को फिर से सक्रिय करने के लिए विद्युत का उपयोग करते हैं या उसे सही लय में वापस लाते हैं। इसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी को अचानक कार्डियक अरेस्ट होता है या दिल अचानक पंप करना बंद कर देता है। डीफाइब्रिलेटर दिल की लय का विश्लेषण करता है और ये तय करता है कि बिजली के झटके की जरूरत है या नहीं। इसके अलावा 40 बेड साइड मॉनिटर प्रदान किए गए हैं, जिनका उपयोग आमतौर पर तब किया जाता है जब डॉक्टर हृदय गति, श्वसन दर, रक्तचाप और तापमान जैसे कार्यों को मापना चाहता है। इसके अलावा कुछ स्थितियों में कैंपोग्राफी, ऑक्सीमेट्री, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी और फुफ्फुसीय धमनी कैथेटर रीडिंग जैसे विशेष कार्यों का भी उपयोग किया जाता है। 4 ECG भी प्रदान किए गए, जिनसे हृदय को प्रभावित करने वाली स्थितियों का निदान और निगरानी करने के लिए अन्य परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा संभावित हृदय की समस्या के लक्षणों की जाँच के लिए किया जाता है, जैसे कि सीने में दर्द, धड़कड़ बढ़ना, साथ ही चक्कर आना और सांस की तकलीफ। 4 निस्कोमेड इन्फ्यूजन वार्मर प्रदान किए गए हैं, जो एक कॉम्पैक्ट आकार, आसान और त्वरित सेटअप ड्राई हीटर के रूप में नैदानिक अनुप्रयोगों में उपयोगी सिद्ध होगा। 20 बाईपेप मशीन का सहयोग किया गया है, जो कि रोगी के फेफड़ों में हवा पहुंचाने में मदद करती है। इन महत्वपूर्ण उपकरणों के अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर, सक्शन मशीन, इंफ्रारेड थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप, नेबुलाइजर, अम्बुबेक, सीरीज पंप, ग्लूकोमीटर, ऑक्सीजन फ्लोमीटर, BP मॉनिटर, पल्स ऑक्सीमीटर, व्हीलचेयर और अन्य छोटे उपकरण भी बड़ी संख्या में उपलब्ध कराए गए हैं। अनिल अग्रवाल फाउंडेशन देश भर में विभिन्न सामाजिक गतिविधियों के जरिए समाज के साथ सहयोगी बना हुआ है। नंद घर के रूप में उन्नत आंगनबाड़ी और स्वस्थ ग्राम अभियान के अलावा एनिमल वेलफेयर में भी फाउंडेशन अग्रणी भूमिका में है। इस अवसर पर ADM बाड़मेर उमेश सिंह रत्नू, जिला अस्पताल PMO BL मंसूरिया, मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल RK आसेरी, CMNHO बाबूलाल विश्नोई, केयर्न प्रोजेक्ट्स निदेशक प्रवीण कुमार, केयर्न सिक्योरिटी हेड नसीब सिंह कादियान, कैप्टन ओम प्रकाश, रमेश मंगल, BJSS ट्रस्टी प्रहलाद सिंह, राहुल गुप्ता, राहुल शर्मा, आयुषी और आकांक्षा CSR केयर्न उपस्थित थे। जागरूक TV के संवाददाता से बात करते हुए मेवाराम जैन, अध्यक्ष गो सेवा आयोग, इन्होंने कहा, शानदार मेडिकल कॉलेज हो, जहां कोई भी पेशेंट यहां से रेफर नहीं, ये हमें रोकना पड़ेगा। इसके लिए इस कंपनी के अग्रवाल साहब को मैं धन्यवाद भी दूंगा और एक निवेदन भी करना चाहूँगा कि कुछ आप डॉक्टर देने की बात पहले कही थी, उसके बाद में पता नहीं लोग पैसे कर ली मैंने। हमारे पहले 4 वार्ड जो स्वीकृत नहीं, अभी इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको स्वीकृत भी कर लिया है। कार्डियो का है, न्यूरो का है, गैस्ट्रो का है और एक चौथे 4 बार जिसके लिए 24 डॉक्टर की पोस्टें भी आ गई।
आप उसके अंदर मैं आपके सी साथ फंड में जो डॉक्टर दे रहे हैं स्पेशलिस्ट आप उसमें दिलाओ ताकि बाड़मेर की जनता को यहाँ से जो रेफर हो रहे हैं जोधपुर हो रहे हैं अहमदाबाद हो रहे हैं चाहे बाहर जा रहे हैं तो वो बाकी यहाँ पहले नहीं था तो मैं चाहूँगा उसमें आप हेल्प करें और उन डॉक्टर्स जो आना चाह रहे हैं उनको यहाँ लगाओ ताकि बाड़मेर अस्पताल में बाड़मेर के मरीजों को राहत मिले। जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है एक पैसा किसी गरीब का नहीं लगे इलाज के लिए बिल्कुल फ्री एक रुपये से लगाकर 10 लाख रुपए तक का चाहे किडनी का हो हार्ट का हो चाहे कैंसर का हो किसी भी प्रकार का इलाज के लिए एक पैसा नहीं लगे आम आदमी को इसके लिए सरकार प्रयासरत है जो ये कंपनी और सारी इसमें मदद कर रहे हैं इनको मैं अपनी जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से खास रिपोर्ट।